पांच छह साल पहले की घटना है। केदार के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, किसी औरत का सुहाग नहीं रहा, किसी माँ का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा। कहते हैं कि भोलेनाथ तांडव बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो भक्त उस समय पे वहां पे थे वो कहने लगे कि ये भोलेनाथ अगर यही तुम्हारा असली तांडव है तो ऐसा तांडव फिर दोबारा मत करना, क्योंकि इस तांडव ने पता नहीं कितने भक्तों की जान ले ली। कैसे केदारनाथ के अंदर क्या हादसा हुआ, क्या बताया इस भजन के माध्यम से। और कहेंगे क्या, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, केदारनाथ में मोट का तंडा करके तने दिखाया क्यों, खुद भोलाए बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्साया क्यों। उठाएंगे हाथ और मेरे साथ मिलकर कहेंगे क्या, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, केदारनाथ में मौत का तांडव कर के तने दिखाया क्यों, दिखाया क्यों, दिखाया क्यों, खुद भोलाए बह गया, भोलाए बह गया, भोलाए बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्सा आया क्यों, भोलाए बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्सा आया क्यों। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। दोबारा रे
क्योंकि इस तांडव ने पता नहीं कितने भक्तों की जान ले ली। भोले बाबा कहते हैं, कोई समझाना समझ सका मन ऐसे खेलिए दिखा दिए, कोई समझाना समझ सके मन ऐसे खेलिए दिखा दिए, तेरे दर्शन करने आए तन मौत के दर्शन करा दिए, तेरे दर्शन करने आए तन मौत के दर्शन जाप करेंगे, क्योंकि कहते हैं जो इस मंत्र का जाप करता है वही भोले बाबा के दर्शन साक्षात पाता है। तो बिल्कुल सीधे हाथ उठाएंगे और कहेंगे क्या, हरिया